मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड के नवीन कार्यालय भवन का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने इस भवन का नामकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर करने की घोषणा की। नवा रायपुर के सेक्टर 24 में 40 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए इस भवन में बीज निगम का कार्यालय भी संचालित होगा। लगभग 158,000 वर्ग फीट में बनाए गए इस भवन से कृषि संबंधी विभिन्न गतिविधियों में संचालित होंगी, जिसका लाभ किसानों को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों की सुविधा के लिए राज्य में मंडी का विस्तार किया जा रहा है। राज्य में लगभग 1.25 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जानी है। इसको देखते हुए धान संग्रहण केंद्रों को भी मंडी के रूप में विकसित किया जा रहा है। मंडी के बाद हर किसान समझते मंडी की विस्तार हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ही हुई और लगातार जिन पारंपरिक जिन मंडी है ओकर से आगे बढ़ के धान संग्रहण ले भी धान संग्रहण केंद्र ले भी मंडी के रूप में विकसित करें और लगभग अभी 2500 से अधिक हमारे धान संग्रहण केंद्र है। 2000 से अधिक हमारे सोसाइटी होगी और यही कारण है कि इस साल 107 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे के बाद न किसान मल्ल परेशानी हुई न अधिकारी मल्ल तकलीफ हुई। नहीं तो अब का धान खरीदे पहली सरकार ने दुगुना धान इस साल खरीदे और कोई परेशानी नहीं हुई। एक कारण ये कि बहुत ही सुचारू रूप से व्यवस्थित रूप से सब काम हुए। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि सरकार की किसान हितैषी योजनाओं से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। कार्यक्रम में मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि नए मंडी भवन के बन जाने से अब राज्य के सभी मंडी सदस्यों को कामकाज में आसानी होगी। उन्होंने मंडी समिति के सदस्यों द्वारा की गई विभिन्न मांगों को जल्द पूरा करने की बात भी कही।